हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब अच्छे होंगे। इस सेकंड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटी एंड अदर पॉइंट्स रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो पहले बात करते हैं इम्प्लाइड कंडीशंस की। इम्प्लाइड कंडीशंस को समझने से पहले जो कंडीशंस हैं वो क्या होती हैं वो हमें देखना चाहिए। तो कंडीशन इज द मेन पॉइंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। जो भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट का कॉन्ट्रैक्ट है उसका मेन पर्पस है, मेन पर्पस टू द कॉन्ट्रैक्ट, नॉट कोलेट्रल। माने अगर ये नहीं होगा तो हम कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। कंडीशन एज टू टाइटल, सेलर मस्ट हैव राइट टू सेल। टाइटल मीन कि सेलर को अधिकार है माल को बेचने का, हम ये मान के चलते हैं। इम्प्लाइड मतलब जो अंडरस्टूड है, अलग से बताने की जरूरत नहीं है। आप कहीं सामान खरीदने के लिए गए तो ये अंडरस्टूड है कि जो सामान है वो बेचने का अधिकार है सेलर को। कंडीशन एज टू सेल बाय डिस्क्रिप्शन, गुड्स मस्ट कॉरेस्पॉन्ड विद डिस्क्रिप्शन वेदर आर नॉट सीन बाय द बायर। कि जो गुड्स की डिस्क्रिप्शन दी गई है गुड्स उस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कंडीशन एज टू सेल बाय सैंपल, गुड्स मस्ट कॉरेस्पॉन्ड विद सैंपल। जो सैंपल दिखा के माल बेचा है तो गुड्स शुड बी कॉरेस्पॉन्ड विद सैंपल। सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, अगर सैंपल भी दिखाया है और आपने डिस्क्रिप्शन भी दिया है तो गुड्स मस्ट कॉरेस्पॉन्ड विद सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, गुड्स मस्ट बी कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस, गुड्स मस्ट बी रीजनेबल फिट फॉर पर्टिकुलर पर्पज इफ द बायर हैज डिस्क्लोज द पर्पज। मान जिस काम के लिए गुड्स लिए गए उस पर्पज के लिए गुड्स फिट होना चाहिए। विच आर रिक्वायर्ड एंड रिलाइड अपॉन अ सेलर्स स्किल और जजमेंट। और यदि वो सेलर के जजमेंट पर डिपेंड करता है कि उसने बता दिया बेचने वाले को, सेलर को, कि भाई मुझे इस पर्पज के लिए गुड्स चाहिए, तो ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि गुड्स उस पर्पज के लिए फिट होना चाहिए। वेदर आर नॉट बायर हैज एग्जामिन द गुड्स, चाहे बायर ने गुड्स एग्जामिन किया हो या ना किया हो। When he described purpose to the seller, the goods should be according to that description. An implied condition as to quality of fitness does not apply. तो quality of fitness का मतलब तो ये होता है कि आपने goods खरीदा और वो आपकी quality of fitness के according हो, लेकिन when you are describe कर देते हैं उसको तो फिर वो description के according होना चाहिए। If the seller is a casual seller and not a dealer, if buyer fails to disclose any abnormal circumstances, in cases में implied condition ही applicable नहीं होगी quality और fitness के लिए। यदि जो seller है वो casual seller है, कोई proper dealer नहीं है, buyer fails to disclose any abnormal circumstances, buyer को कोई बात नहीं बता पाया, buyer does not rely upon the seller's skill or judgment। यदि वो seller की judgment पर depend नहीं कर रहा है तो buyer cannot claim कि ये मेरी quality और fitness के according नहीं है। माने बेसिकली ये सारे पॉइंट्स वो हैं जब जो सेलर है उसकी जो लायबिलिटी है वो खत्म हो जाती है और बायर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स खरीद रहा है। इफ बायर बाइज और स्पेसिफाइड आर्टिकल अंडर इट्स पेटेंट और अदर ब्रांड, अदर ट्रेड नेम और ब्रांड नेम, बायर ने कोई ब्रांड नेम, कोई ट्रेड नेम या किसी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड आर्टिकल को परचेज किया, तो क्वालिटी और फिटनेस की जिम्मेदारी अब सेलर की नहीं है, वो जिम्मेदारी किसकी मानी जाएगी? बायर की मानी जाएगी। कंडीशन एज टू मर्चेंटेबल क्वालिटी, कि जो भी आपने गुड्स खरीदे वो बेचने लायक होने चाहिए। दिस इज कंडीशन एज टू मर्चेंटेबल क्वालिटी, गुड्स मस्ट ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी। जैसे कोई खाने पीने की चीज़ है तो वो एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी लेटेंट और हिडन डिफेक्ट। इफ गुड्स आर ब्रॉट बाई डिसीजन डिस्क्रिप्शन फ्रॉम ए सेलर हु डील गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन whether he's a manufacturer or not, कोई latent या कोई defect goods में नहीं होना चाहिए। An implied condition as to merchantable quality does not apply for defect which the buyer could have discovered if he had examined the goods. अगर उसने examine किया और उस default को discovered कर लिया तो फिर जो condition of merchantability applicable नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? Buyer को ये पता था कि इसमें defect है और उसके बाद भी वो goods खरीद रहा है, तो फिर वो जो सेलर है उसको वो क्लेम नहीं कर सकता। कंडीशन एज टू होलसमनेस, फॉर ह्यूमन कंजम्पशन गुड्स जो होते हैं वो खाने पीने के लायक होने चाहिए। एन इम्प्लाइड एज टू मर्चेंटेबल क्वालिटी अप्लाइड फॉर गुड्स, वेदर आर नॉट गुड्स आर सोल्ड अंडर पेटेंट और ट्रेड नेम, वेदर आर नॉट
लाइज ऑन द स्किल जजमेंट ऑफ द सेलर, बस वही बात है। अगर पेटेंट ट्रेड नेम है तो बायर की अपनी प्रॉब्लम है, अदरवाइज जो गुड्स हैं इम्प्लाइड कंडीशन अगर खाने पीने की चीज़ें हैं तो वह एज पर होम कंजम्पशन ह्यूमन कंजम्पशन के लायक होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं रूल ऑफ केवियट एम्प्टर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा डिस्कशन होता है ये क्वेश्चन, कई बार आ चुका है तो बेटर कि आप इसको बड़े ध्यान से देखें। बहुत ईजी लैंग्वेज में है, इट मीन्स द लेट द बायर बिवेयर, जो माल को बेचने वाला है, यहाँ पर जो हमने डिस्क्राइब किया था इम्प्लाइड कंडीशंस, तो वो सारी कंडीशन मोस्टली सेलर के ऊपर एप्लीकेबल हो रही थी कि माल सही होना चाहिए एज पर मर्चेंटेबल क्वालिटी, फिटनेस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे केवियट एम्प्टर बोलता है लेट द बायर बिवेयर, जो खरीदने वाला है उसको भी तो समझदार होना चाहिए। तो बायर जब कोई सामान खरीदता है तो उसकी भी कुछ जिम्मेदारियाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। नो सेलर्स ड्यूटी, ए सेलर नीड नॉट डिस्क्लोज अ डिफेक्ट ऑफ हिज गुड्स, बायर को खुद सावधान होना चाहिए। बायर्स ड्यूटी, इट इज बायर्स ड्यूटी टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ अबाउट द क्वालिटी एज वेल एज द सुटेबिलिटी ऑफ द गुड्स, बायर की ड्यूटी बनती है कि वो खुद ही ये देखे। द रूल ऑफ केवियट एम्प्टर डज नॉट अप्लाई वेयर द बायर हैज डिस्क्लोज द पर्पज फॉर विच द गुड्स आर रिक्वायर्ड एंड रिलाइड अपॉन द सेलर स्किल और जजमेंट, अगर सेलर के स्किल जजमेंट पर रिलाई कर रहा है तो ये केवियट एम्प्टर का रूल अप्लाई नहीं होगा, अदरवाइज हम मानेंगे कि बायर ने गुड्स को देखभाल कर अपनी समझ से लिया है तो उसके लिए फिर जो सेलर है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, कैसे कैसे प्रॉपर्टी का पासिंग होता है और कैसे कैसे उसका ओनरशिप ट्रांसफर होगा। अगर स्पेसिफिक गुड्स हैं वेयर देयर इज एन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, तो नॉर्मली जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तभी उसकी ओनरशिप पास हो जाती है। वेयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स नॉट इन अ डिलीवरेबल स्टेट, स्पेसिफिक गुड्स तो हैं लेकिन वो भी रेडी नहीं है, तो व्हेन द गुड्स आर पुट इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट, जब वो रेडी हो जाएंगे और बायर को हम बता देंगे तो बायर हैज नोटिस देयर ऑफ, तो ये माल ओनरशिप ट्रांसफर मानी जाएगी। वेयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट बट द सेलर हैज टू डू सम एक्ट टू असर्टेन द प्राइस, माल तो बनकर तैयार हो गया लेकिन कुछ एक्ट करना है ताकि उसकी कीमत तय की जा सके। When the seller has done that act to ascertain the price, जब उसने price तय कर दिया और buyer को उसके बारे में notice कर दिया तो goods की ownership transfer मानी जाएगी। Unascertained goods है, अभी निश्चित नहीं है goods कहाँ हैं। When goods are unascertained, when goods are unascertained and unconditionally appropriated by the seller, buyer with the consent of the other, गुड्स अभी सर्टेन नहीं है और अनकंडीशनली हैं, सच कंसेंट मे बी बिफोर और आफ्टर द अप्रोप्रिएशन, तो जब वो गुड्स असर्टेन हो जाएंगे, अभी अनअसर्टेन गुड्स हैं, जब गुड्स सर्टेन हो जाएंगे और अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड बाय द सेलर बायर विद द कंसेंट ऑफ द अदर, और दूसरे की बस मंजूरी लेते ही हम उसको डिलीवर कर देंगे। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, ये अलग से एग्जाम में बहुत आता है पॉइंट, आपने गुड्स सेंड किए अप्रूवल बेसिस पे कि कस्टमर को पसंद आएगा तो वो उन गुड्स को रख लेगा और नहीं तो वो गुड्स आपको वापस कर देगा, तो दिस आर गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस। वेयर व्हेन द बायर सिग्निफाइज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस, बायर ने अपनी अप्रूवल दे दी माल के लिए, व्हेन द अप्रूवल और एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड टू द सेलर, तो अगर वो जो जिसने माल बेचा था उसको आपने कम्युनिकेट कर दिया तो ये माल की ओनरशिप ट्रांसफर मानी जाएगी। वेयर द बायर डज सम एक्ट अडॉप्टिंग द ट्रांजेक्शन, बायर ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे ये पता चल गया कि गुड्स जो है वो बायर ने ओनरशिप उसको ले लिया है, लाइक जैसे उसने गुड्स को आगे प्लेज कर दिया, गिरवी रख दिया, तो इसका मतलब क्या है कि वो वही कर सकता है जिसके पास उसकी ओनरशिप है। तो एनी एक्ट डन बाय बायर जो ये बताता है कि ओनरशिप बायर के पास आ गई है। व्हेन द बायर फेल्स टू रिटर्न द गुड्स विद इन अ स्पेसिफिक टाइम, जो फिक्स था और नहीं फिक्स था तो ऑन द एक्सपायरी ऑफ रीजनेबल टाइम, वो माल को वापस नहीं करता है तो भी हम ये मानेंगे कि जो गुड्स की ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो गई है। सेल ऑफ स्टैंडिंग ट्रीज, स्टैंडिंग ट्रीज को आप बेच रहे हैं, व्हेन द ट्रीज आर फेल्ड एंड एसर्टेन, जब ट्री गिर जाएगा तो वो डिलीवरेबल स्टेट पे आ जाएगा। वेयर द सेलर हैज रिकवर्ड
reserve the right of disposal of goods when the condition imposed by the seller are fulfilled, when B is bills of exchange is honored. सेलर के पास अधिकार है माल को डिस्पोज करने का व्हेन बिल ऑफ एक्सचेंज सेंट विद डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल. बिल 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 दिया गया और जैसे ही बिल का पैसा आ गया तो सेलर उस बिल की ओनरशिप उसको ट्रांसफर कर देगा. तो ये कुछ पॉइंट्स थे कब कब माल की ओनरशिप ट्रांसफर होती है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सेल बाय नॉन ओनर्स. दिस इज द मेन पॉइंट. नॉर्मली गुड्स को वही बेच सकता है जिसको उसके जिसको उस माल को बेचने का अधिकार है. बट समटाइम्स जो नॉन ओनर है जिसको उस जो उसका एक्चुअल ओनर नहीं है वो भी इस माल को बेच सकता है. बाय एंड मर्सेंटाइल एजेंट जो उसका एजेंट है. पजेशन ऑफ गुड्स डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स विद द कंसेंट ऑफ द ओनर. उसके पास ओनर की कंसेंट से डॉक्यूमेंट टाइटल या पजेशन है गुड्स का. ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में माल को बेचता है. बायर मस्ट हैव ब्रॉट इन गुड्स फेथ. बायर ने माल खरीदा है. Buyer must have no knowledge that seller had no authority to sell. जैसे आप किसी शॉप से सामान खरीदने के लिए गए तो इट इज़ नॉट सो नेसेसरी कि जो सामान बेचा जा रहा है उसका शॉप वाला ही ओनर हो. ऐसा हो सकता है कि जो एक्चुअल उसका ओनर है उसने उस माल को शॉपकीपर को दे रखा है सेल करने के लिए. तो ये सेल बाय एन मर्सेंटाइल एजेंट माना जाएगा. सेल बाय वन ऑफ ज्वाइंट ओनर यदि एक गुड्स के एक से ज़्यादा मालिक हैं. तो अगर कोई भी जॉइंट ओनर उस माल को बेचता है तो वो नॉन ओनर सेल पोजीशन विद कंसेंट ऑफ अदर को ओनर्स. अगर वो अदर को ओनर्स की कंडीशन के हिसाब से आता है तो फिर वो माना जाएगा. दिस इज बाय माने एक्चुअल में ओनरशिप सबके पास है तो एक भी अगर बेचता है तो वो सेल मानी जाएगी. इट इज कंसिडर्ड एज सेल बाय नॉन ओनर्स. सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. सेल बाय पर्सन अंडर पजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. पजेशन ऑफ गुड्स अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड बिफोर कॉन्ट्रैक्ट इज रिजाइंड. पजेशन ऑफ गुड्स अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. कॉन्ट्रैक्ट टूटने से पहले आपने माल को बेच दिया. सेम एज सीन वन. तो वन में क्या पॉइंट था देख लेते हैं. बायर मस्ट हैव राइट के सेम पॉइंट चलेंगे. बायर के पास अधिकार है गुड फेथ में माल खरीदा है. एंड buyer must have no knowledge that seller has no. तो ये कॉमन पॉइंट है जो सभी में अप्लीकेबल हो रहे हैं. उसको अधिकार होना चाहिए बायर ने माल गुड फेथ पर खरीदा और उसको ये पता नहीं था कि माल की अथॉरिटी सेलर को नहीं है. तो अगर इन बातों को हम फॉलो करते हैं. पोजेशन ऑफ गुड्स अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट माने कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ द सेलर और उसके पास माल का पोजेशन है सोल्ड बिफोर कॉन्ट्रैक्ट इज रिजाइन. सेल बाय सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल. पोजेशन ऑफ गुड्स डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स एज सेलर नॉट एज बेली. पोजेशन ऑफ गुड्स हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स हैं एज सेलर नॉट एज बेली. सेल बाय द सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल माने माल किसके पास था. बेचने वाले के पास था. माल बिक चुका है लेकिन वो अभी भी सेलर के शोरूम में ही है. उसके बाद पोजेशन होना चाहिए गुड्स का डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स एज सेलर और उसके पास अभी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भी है. जैसे आपने कहीं शॉप से माल खरीदा पेमेंट कर दिया लेकिन बिल नहीं लिया या डिलीवरी अभी नहीं हुई है माल की और सेलर ने किसी और का माल बेच दिया तो ये सेल मानी जाएगी. सेल बाय ए बायर इन पोजेशन बिफोर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. बायर के पास माल है लेकिन उसने अभी ओनरशिप नहीं लिए और उससे पहले उसने माल को बेच दिया. तो दीज आर द पॉइंट ऑफ सेल बाय नॉन ओनर्स. अनपेड सेलर सेलर को पैसे नहीं मिले माल के. ऑन एक्सरसाइजिंग राइट ऑफ लिन. राइट ऑफ लिन गुड्स पे कब्जा कर सकता है और यदि रास्ते में माल है तो उसको स्टॉपेज एंड ट्रांसिट कर सकता है. दीज आर सम राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर. राइट ऑफ एन अनपेड सेलर काफी डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है. सेल बाय फाइंडर ऑफ गुड्स. आपको किसके गुड्स मिल गए तो ओनर कुड नॉट बी फाइंड और ओनर मिल भी गया तो उसने पेमेंट करने के लिए मना कर दिया और गुड्स क्या हैं परिशेबल नेचर के हैं तो 2/3 ऑफ वैल्यू तक के लॉफुल चार्जेस हम मानेंगे कि उसका है. यदि आपके पास माल है तो सर तो जो जिसका एक्चुअल माल था उसको कम से कम 2/3 कीमत उसकी देनी चाहिए और वो नहीं देता है तो जो फाइंडर है वो उस माल को किसी और को बेच सकता है. सेल बाय प्लेजी. आपने माल किसी के पास गिरवी रखा प्लेज किया
और उसको पैसे नहीं मिले तो आपने गिविंग नोटिस वो उस माल को बेच सकता है। ऑफिशियल रिसीवर, आप इंस्टॉलमेंट हो जाते हैं या आपने गुड्स असाइन किया है उसके थ्रू माल बेचा जाता है। सेल बाय ओनर बाय स्टॉपल, माने ओनर ये दिखा रहा है माल को कि ये माल किसी दूसरे पर्सन को बेचने का अधिकार है, जबकि माल किसके किसका है, ओनर का है। तो ओनर ने बाय स्टॉपल ये शो किया है थर्ड पर्सन को कि ही कैन सेल द गुड्स एज एन ओनर, तो फिर ये सेल बाय नॉन ओनर मानी जाएगी। डिलीवरी कई प्रकार से होती है माल की। डिलीवरी के अंदर बहुत सारे पॉइंट है। डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक्चुअल डिलीवरी वेयर गुड्स आर फिजिकली हैंडेड ओवर टू द बायर और इज ऑथराइज एजेंट, माने माल हमने फिजिकली उसको दे दिए। सिम्बॉलिक डिलीवरी वेयर सम सिंबल ऑफ रियल पोजेशन और कंट्रोल ओवर गुड्स इज हैंडेड ओवर टू बायर और इज ऑथराइज एजेंट, लाइक चाबी दे दी गई, वेयर हाउस की चाबी दे दी, मकान की चाबी, दुकान की चाबी, तो ये क्या है, दिस इज सिंबॉलिक डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव वेयर पर्सन पोजेशन ऑफ गुड्स एक्नॉलेज टू होल्ड द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द बायर, आपको ये एक्नॉलेजमेंट दिया गया है कि भाई आप बायर के बिहाफ पर इस माल को यूज कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। प्लेस कहां डिलीवरी दी जाएगी, वेयर देयर इज नो कॉन्टैक्ट एज टू द प्लेस ऑफ डिलीवरी, द गुड्स टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस ऑफ एट विच गुड्स आर एट द टाइम ऑफ सेल, जिस समय माल जहां सेल हुई है वहां माल की डिलीवरी दी जाएगी, ये एग्रीमेंट टू सेल हुआ है एग्जिस्टिंग गुड्स का, और द मैन्युफैक्चरिंग प्लेस जहां माल बनता है इन केस ऑफ फ्यूचर गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स हैं तो जहां डील हुआ था या एग्रीमेंट टू सेल हुआ था वहां डिलीवरी होगी, और फ्यूचर गुड्स हैं तो जहां मैन्युफैक्चरिंग प्लेस है वहां डिलीवरी होगी, व्हेन देयर इज नो कॉन्टैक्ट टू द सेल। और यदि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि यहाँ पर डिलीवरी प्लेस ऑफ डिलीवरी डिसाइड हुआ है तो फिर माल की डिलीवरी उसी प्लेस पर होनी चाहिए। वेयर देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट एज टू द टाइम ऑफ डिलीवरी, द गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड विद इन रीजनेबल टाइम। वेयर अ सेलर डिलीवर वेयर द सेलर डिलीवर अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स लार्जर देन द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर, आपने ज्यादा माल की डिलीवरी कर दी, द बायर में एक्सेप्ट रिजेक्ट द होल और एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्टेड एंड रिजेक्ट द एक्सेस, तो बायर की मर्जी है कि वो एक्स्ट्रा माल को रिजेक्ट कर दे या आपको वापस कर दे या उसको एक्सेप्ट कर ले। बायर में नॉट बी अलाउड टू रिजेक्ट द होल गुड्स इन केस ऑफ नेग्लिजिबल शॉर्ट और एक्सेस डिलीवरी, पूरा माल वो वापस नहीं कर सकता गलती से ऐसा हो गया है तो। इन केस ऑफ शॉर्ट और एक्सेस डिलीवरी द बायर रिजेक्ट द होल क्वांटिटी द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ट्रीटेड एज कैंसिल्ड, द सेलर स्टिल हैज राइट टू टेंडर अगेन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एज पर कॉन्ट्रैक्ट एंड द बायर इज बाउंड टू एक्सेप्ट द सेम, तो सेलर को अधिकार है कि वो माल को पूरा करके दे और फिर बायर को उस माल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सपेंस ऑफ पुटिंग द गुड्स इन टू अ डिलीवरेबल स्टेट शैल बी बॉर्न बाय द सेलर, ये खर्चा किसका है, सेलर का है। बायर टू अप्लाई अनलेस अदरवाइज एग्रीड द बायर मस्ट अप्लाई फॉर डिलीवरी, बायर को अप्लाई करना पड़ेगा कि मुझे माल की डिलीवरी चाहिए, पेमेंट एंड डिलीवरी अनलेस अदरवाइज स्टेटेड देयर मस्ट बी साइमल्टेनियस पेमेंट ऑफ सर्विसेज प्राइस एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स, आपने माल खरीदा तो साइमल्टेनियसली सेम टाइम आप उसका हाथ की हाथ उसका प्राइस एंड गुड्स का पेमेंट करेंगे, प्राइस मिलेंगे और गुड्स की डिलीवरी होगी। डिलीवरी बाय इंस्टॉलमेंट अनलेस अदरवाइज एग्री द बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट डिलीवरी बाय इंस्टॉलमेंट, या तो एग्रीमेंट में हो कि माल हम इंस्टॉलमेंट में आपसे लेंगे, व्हेन इट इज नॉट मेंशन इन एन एग्रीमेंट तो माल डिलीवरी का इंस्टॉलमेंट में नहीं आएगा। पार्ट डिलीवरी डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ गुड्स विद इन इंटेंशन ऑफ गिविंग डिलीवरी ऑफ द होल अमाउंट टू द डिलीवरी ऑफ द होल ऑफ द गुड्स, डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ द गुड्स विद इन इंटेंशन, इंटेंशन है कि हम पूरा माल भी आपको डिलीवर कर देंगे तो वो डिलीवरी मानी जाएगी। तो दीज आर सम पॉइंट, एक दो पॉइंट और हैं वो भी हम देख लेते हैं इसके अंदर। डिलीवर टू करियर मान जिसके थ्रू कोई ट्रांसपोर्ट एजेंसी, कोई बस, कोई ट्रक, जिसके थ्रू माल आपके पास आएगा, तो जैसे ही सेलर ने या बाय कोरियर जैसे ही सेलर ने माल की डिलीवरी दी, डिलीवर ऑफ गुड्स टू द करियर वेदर नेम्ड बाय द बायर और नॉट फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर और डिलीवर ऑफ द गुड्स टू वार फिंगर कस्टडी, किसी की कस्टडी माल दे दिया, इस वार फिंगर नॉर्मली शिप्स के लिए यूज किया जाता है, शिप से माल भेजना हो, इस प्रीमा फेसी डीम टू बी डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द बायर, तो प्रीमा फेसी माने फर्स्ट साइट में ये माना जाएगा कि माल बायर को डिलीवर हो गया है,
द सेलर इज फर्दर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द फॉलोइंग टू ड्यूटीज. दो काम और करने पड़ेंगे उसको, टू मेक अ रीजनेबल कॉन्ट्रैक्ट विद द सेंटर और वार फिंगर, जिसको हमारा डिलीवर के लिए दिया उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि माल की डिलीवरी आपको देनी पड़ेगी. टू गिव नोटिस टू द बायर, बायर को बताएगा कि भाई माल जो है अनेबल टू इश्योर गुड्स ड्यूरिंग सी सूट सी ट्रांसिट, यदि माल शिप से आ रहा है तो बायर को बताएगा कि आप माल की इंश्योरेंस करवा लीजिए ताकि वो माल अगर डूब जाए तो उसे परेशानी ना आए. एक्सेप्टेंस, थ्री सर्कमस्टांसेस अंडर बायर अंडर विच बायर इज डीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड द गुड्स. तीन बातें हैं जब ये माना जाएगा कि बायर ने गुड्स की एक्सेप्टेंस कर ली. When he intimates to the seller that he has accepted the goods, कि मैंने goods का acceptance ले लिया है. When the goods have been delivered to him and he does not any act relation to them which shows that he has accepted them. For example, reseller, कुछ ऐसा उसने कर दिया है माल की delivery के बाद जिससे चल रहा है पता कि उसने उसका acceptance ले लिया है. Where he does not inform the seller that he has rejected the goods and retained the goods within a reasonable time. उसे इन्फॉर्म नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट हम मानेंगे कि वो गुड्स की डिलीवरी हो गई है. सो दीज आर सम पॉइंट्स रिलेटिंग टू डिलीवरी ऑफ गुड्स. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मीनिंग ऑफ अनपेड सेलर. आपने माल बेचा, आपको कीमत नहीं मिली तो क्या क्या अधिकार है. होल प्राइस नॉट पेड, व्हेन द प्राइस होल ऑफ द प्राइस नॉट अदर एक्सपेंस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर, द सेलर ऑफ गुड्स इज डीम टू बी एन अनपेड सेलर. कब उसको मानेंगे कि वो अनपेड है, कीमत तय की गई थी और पूरी कीमत नहीं मिली. बिल से माल बेचा गया या कोई और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से वो डिसऑनर्ड हो गया या बायर इंस्टॉलमेंट हो गया. व्हेन द बायर बिकम इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द क्रेडिट पीरियड अलाउड, तो हम बोलेंगे कि सेलर को उसका पैसा नहीं मिला. तो क्या क्या अधिकार हैं सेलर के अगर उसको पैसा नहीं मिलता है, तो वो हम देखते हैं इसके अंदर. राइट ऑफ लेन, द राइट ऑफ लेन मीन्स अ राइट टू रिटेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स अंटिल द फुल प्राइस इज रिसीव्ड. जो गुड्स का पोजेशन है वो अपने पास रखेगा जब तक पूरी कीमत ना मिल जाए. कब कर सकता है ऐसा, वे द गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन टू क्रेडिट. माल बेचा गया था और उधार की कोई बात नहीं हुई थी, उधार की बात हुई थी लेकिन उधार का टाइम खत्म हो गया या फिर बाय इंस्टॉलमेंट हो गया, तो तीनों केसेस में जो सेलर है वो माल को अपने कब्जे में कर सकता है. पोजेशन एज एजेंट, द सेलर में एक्सरसाइज द राइट ऑफ लेन इवन इफ ही पजेस द गुड्स एज एन एजेंट और बेली टू द बायर. माने माल बिक चुका है और बायर के एज एन एजेंट उसने अपने पास सामान रखा है, तो भी वो उसको अनपेड अगर वो है पैसा नहीं मिला है तो ही कैन टेक पजेशन. पार्ट डिलीवरी हो गई है माल की, इनकेस ऑफ पार्ट डिलीवरी द राइट ऑफ लेन कैन बी एक्सरसाइज ओनली वेयर पार्ट डिलीवरी इज नॉट इंक्लूड इंटेंडेड एज डिलीवरी ऑफ द होल. In case of part delivery, the right of lien can be exercised only where part delivery is not intended to delivery as a whole. माने part delivery हुई है माल की और so in part delivery हमारी intention full delivery देने की है तो ही हम माल का repossession कर सकते हैं, otherwise not. Decree for price, आपने court ने आपको order दिया कि कीमत दो माल की, जैसे आपने केस कर दिया कोर्ट में कि मुझे कीमत नहीं मिली और कोर्ट ने आपको ऑर्डर दिया कि माल की कीमत दो. द सेलर में एक्सरसाइज द राइट ऑफ लेन इवन दो ही हैज ऑब्टेन्ड अ डिक्री फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स. तो डिक्री मिला है, कीमत नहीं मिली, तो भी वो जब तक माल को अपने कब्जे में रखेगा जब तक कि उसकी एक्चुअल कीमत उसको ना मिल जाए. तो दीज आर सम पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए और Now the next point is right of stoppage in transit. Right of stoppage of goods in transit. माल को हम रास्ते में रोक रहे हैं. Right of stoppage of goods in transit. This is the next point. कि जैसे माल को आपने दे दिया किसको, courier को, transporter को, कि वो माल आपके आप तक पहुंचाए और उस माल की delivery को हम रास्ते में रोक रहे हैं. So this is called right of goods stoppage in transit, means the right of stoppage the goods while they are in transit to regain possession, वापस अपने पास मंगा रहे हैं, and to retain them till the full price is paid, जब तक कीमत नहीं मिल जाएगी. Right of stoppage in transit is an extension to the right of lien. Right of lien में तो आपके पास उसका possession था
और स्टॉपेज ऑफ ट्रांजिट में हम उसका पोजीशन रीगेन कर रहे हैं, तो तीन बातों में हो सकता है। द सेलर मस्ट हैव पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ द गुड्स, कि जो उसके पास गुड्स था, गुड्स का जो पोजीशन है उसके पास चला गया है। द गुड्स मस्ट बी इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट और बायर इंसॉल्वेंट हो गए, तीन केसेस में हम उसको गुड्स को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर बायर इंसॉल्वेंट नहीं है तो ये राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एप्लीकेबल नहीं होगा। ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट, गुड्स आर डीम्ड टू बी इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट फ्रॉम द टाइम व्हेन दे आर डिलीवर्ड टू अ करियर और अदर बेली फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर, हमने इसको दिया है ट्रांसपोर्ट वाले को, अनटिल द बायर और हिज एजेंट इन दैट बिहाफ टेक्स डिलीवरी ऑफ देम फ्रॉम सच करियर और अदर बेली। और जो जो आपका बायर या उसका एजेंट है उसने अब तक उसकी डिलीवरी नहीं ली है। द करियर मस्ट होल्ड द गुड्स इन द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिपेंडेंट पर्सन एंड नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ एन एजेंट फॉर द सेलर। और बायर जो करियर है, जो करियर है वो इंडिपेंडेंटली गुड्स को होल्ड करेगा, ना तो वो बायर का आदमी है ना वो सेलर का आदमी है। तो दिस इज स्टॉक गुड्स स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन अ ट्रांजिट, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सो वी हैव डिस्कस्ड पॉइंट रिलेटिंग टू राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेज बाय ओनर। जो ओनर है उसने गुड्स को सबसेल किया या आपने प्लेज में लिया। द अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लिन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी सेल और अदर डिस्पोजिशन ऑफ द गुड्स बाय द बायर। बायर ने अपने बिहाफ पे गुड्स आगे किसी को बेच दिया या फर्दर सेल कर दिया तो वो जो फर्दर पर्सन है उसके राइट्स इफेक्टेड नहीं होंगे। अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लिन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज नॉट अफेक्ट, सॉरी, जो अनपेड सेलर के अधिकार हैं वो अफेक्टेड नहीं होंगे, वो उस पर्सन से भी माल को वापस ले सकता है। देयर आर टू एक्सेप्शन है लेकिन इस बात के, वेयर सब सेल और अदर डिस्पोजिशन बाय द बायर हैज बीन डन विद द कंसेंट ऑफ द सेलर, उसने माल बेचा था सेलर की परमिशन लेके, वेयर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ द गुड्स बिल ऑफ लेडिंग और रेलवे रिसीट हैज बीन इशूड और लॉफुली ट्रांसफर टू एनी पर्सन एज बायर एंड दैट पर्सन ट्रांसफर द डॉक्यूमेंट बाय वे ऑफ सेल टू अ पर्सन हु टेक्स द डॉक्यूमेंट ऑफ गुड्स फेथ एंड फॉर कंसिडरेशन। डॉक्यूमेंट और जो भी कुछ हुआ है सब सेल का वो प्रॉपर लीगली चैनल से हुआ है और गुड फेथ एंड फॉर कंसिडरेशन, कीमत के बदले में हुआ है, तो फिर जो सेलर है वो उससे क्लेम गुड्स को नहीं कर सकता। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, राइट ऑफ सब सेल और प्लेज बाय बायर। नेक्स्ट पॉइंट, राइट ऑफ फ्री सेल। जो अनपेड सेलर है वो कब कब माल को किसी और पर्सन को रीसेल कर सकता है। वेदर गुड्स आर ऑफ ए पेरिशेबल नेचर, खराब हो जाएंगे माल। वेदर सेलर एक्सप्रेसली रिजर्व द राइट टू रीसेल इफ द बायर कमिट अ डिफॉल्ट इन द मेकिंग द पेमेंट, उसको अधिकार है, एक्सप्रेसली डिक्लेयर किया हुआ था कि मैं माल किसी और को बेच सकता हूँ। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सेल द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट विल बी टर्मिनेटेड बट द सेलर्स विल हैव अ राइट टू क्लेम डैमेजेस। वेद अनपेड सेलर हु हैज एक्सरसाइज राइट ऑफ लेन और स्टॉपेज ऑफ ट्रांजिट गिव अ नोटिस टू द बायर अबाउट हिज इंटेंशन टू रीसेल एंड बायर डज नॉट पे आवर टेंडर विद इन अ रीजनेबल टाइम, उसने उसको नोटिस दिया कि माल को मैं बेचना चाह रहा हूँ आप और बायर ने कोई रिप्लाई नहीं किया विद इन अ रीजनेबल टाइम, तो भी उसको अधिकार है उस माल को किसी और को बेचने का। तो सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट, एक बार देख लेते हैं। राइट इन केस ऑफ रीसेल, अनपेड सेलर्स राइट टू रिकवर द लॉस इन केस ऑफ रीसेल आफ्टर नोटिस अवेलेबल है, विदाउट नोटिस नॉट अवेलेबल है। ओरिजिनल बायर्स राइट टू रिकवर द प्रॉफिट, अगर रीसेल किया है तो नॉट अवेलेबल है, और नोटिस के बाद उसने माल बेचा है लेकिन बायर ने उसकी कीमत दे दी तो उसको प्रॉफिट भी मिलेगा। न्यू बायर्स राइट्स दोनों केसेस में अवेलेबल है व्हेन इट इज सोल्ड ऑन गुड फेथ। तो ये हमने पॉइंट डिस्कस किए इसके। नाउ दिस इज राइट ऑफ सेलर एंड बायर इन केस ऑफ एन अनपेड सेलर, राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट बायर। जो अनपेड सेलर उसके क्या क्या अधिकार हैं बायर के खिलाफ, कीमत मांग सकता है, इंटरेस्ट ले सकता है, डैमेज फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, डैमेज एंड डेपुडेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बायर को क्या अधिकार है, सूट फॉर डैमेज फॉर नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग सकता है कि जो मैंने पैसे दिए वो वापस करो।
वारंटी का ब्रीच कर सकता है, सूट फॉर इंटरेस्ट कर सकता है यदि एडवांस दिया है तो, राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन और ऑपरेटिव इन केस ऑफ रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर बिफोर ड्यू डेट, तो कॉन्ट्रैक्ट का जो नुकसान हुआ उसकी वो उससे मांग सकता है पैसे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑक्शन सेल, आपने नीलामी के थ्रू माल बेच रहे हैं, दिस इज ऑक्शन सेल, बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट है, तो इसको डिस्कस करते हैं एक बार। सो ऑक्शन सेल के पॉइंट्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, सो प्लीज वॉच माई थर्ड पार्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अगेन थैंक यू वेरी मच टू वॉच माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड माई यूट्यूब चैनल्स टू गेट मोर अपडेट्स, एंड अगेन थैंक यू वेरी मच टू वॉच माई वीडियो।